तो भाई आज मैं इसका आपको जो ये डिले फंक्शन है इसके बारे में बताता हूँ, इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसका पर्पज़ क्या है मतलब यहाँ पे देने का। तो आप वॉशिंग मशीन ख़रीद रहे हैं तो ये वाला फंक्शन आप ज़रूर देखिए, अगर होना चाहिए, अगर आपके यहाँ पानी की कमी है तो मैं बताता हूँ किस तरीके से। ये देखिए मैंने ये कपड़े डाल दिए हैं, थोड़ा क्लोथ मैंने वो लगाया डिटर्जेंट वाइज, कपड़े तो कॉलर इसके गंदे हैं, मैंने इसमें सर्फ डाल दिया है। इसका मैं लिड क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका बटन ऑन कर दिया है और किसी को अगर रीड करना है तो पहले रीड भी कर सकता है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बारी, किसी को अगर रीड करना है तो कर सकता है। अब इसमें क्या रहता है, जैसे आपने यहाँ से मशीन ऑन करी तो सबसे पहले आपको या तो आप इसमें डिले का बटन सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो सेलेक्ट होता है ये आवर्स में होता है, तो मिनिमम 3 आवर इसमें जो है आप डिले कर सकते हैं। 3 नान का मतलब जैसे अगर आपने अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, 3:04, तो 3 घंटे का मतलब ये 6 बजे तक, 3 घंटे का मतलब 4, 5, 6, तो 6 बजे तक इसकी वॉशिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट होने का साइकिल है, ना कि 3 घंटे बाद वॉशिंग मशीन स्टार्ट होगी। 3 घंटे मतलब 3 बजे से, तो अब जो टाइम आ रहा है इससे 3 घंटे बाद तक ये पूरी वॉशिंग मशीन जो है ये कपड़े जो है आपके वॉश होके रेडी हो जाएंगे, खाली आपको सुखाने रह जाएंगे। बस जो भी आप प्रोग्राम सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो मिनिमम इसमें 3 आवर्स होता है। और ये देखिए 4 घंटे, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, तो 12 घंटे तक तो ये 1-1 घंटे तक चलता है। इसके बाद ये 2-2 घंटे के डिले पर चलेगा, 12, 14, 16, 18, टोटल 18 होता है। 18 घंटे तक आप मैक्सिमम जो है इसमें डिले कर सकते हैं। और ये हो गया 0, तो 3 घंटे कर सकते हैं। अब इसके जो यूसेज हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपका टैंक जो है वो छत पे ऊपर जो है वो छोटा है, तो उससे क्या होता है, जैसे आप सोचते हैं कि हमारा टैंक जो है ख़त्म ना हो, क्योंकि पानी ये काफ़ी ज़्यादा लेती है वॉशिंग मशीन। एक अगर आप 2 बार रिंस लगाते हैं और वॉशिंग वाटर लेवल 10 सेलेक्ट करते हैं तो इसमें पानी 186 लीटर लगता है पूरे, क्योंकि 62 लीटर लगता है 10 लेवल पे। तो 3 अगर आप साइकिल चला दोगे 62 प्लस 62, तो 186 लीटर के अराउंड लगेगा। तो उसमें क्या, अगर आपका 500 लीटर का टैंक है तो आपका टैंक खाली होने का वो रहेगा, आपको टेंशन। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे आपका रात में जो पानी आता है, दिल्ली में क्या होता है रात में ये पानी सप्लाई करते हैं, किसी किसी एरिया में दिन में भी आता है, तो आप अपना जो ये डिले का साइकिल है अपने वाटर सप्लाई के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जैसे आपने रात में 10 बजे लगा दिया, अगर 4 बजे पानी आ रहा है तो आपने इसको 6 घंटे डिले कर दिया। जैसे 4 से 6 पानी आया तो आपको 6 घंटे आपने लगा दिया, तो 5 बजे तक आपको कपड़े मिल जाएंगे पूरे धुले हुए, टंकी में पानी भी भर जाएगा और आपके कपड़े भी धुल जाएंगे, तो आपकी टंकी भी खाली नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो एक यूसेज हो रहा है, जैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं, अब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सुबह सुबह फटाफट आपने रात में लगा दिया इसे, सुबह खाली आपको ना सुखाने रह जाएंगे बस ये कपड़े, तो आपने उसके हिसाब से जो है इसको डिले कर दिया, तो आप सुबह उठोगे खाली आपको अपने कपड़ों को सुखाना रह जाएगा बस। अब इसको यूज़ कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ये देखिए पहले यहाँ से आपने ऑन कर लिए, अब पहले आप प्रोग्राम भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर डिले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डिले भी कर सकते हैं पहले, ये प्रोग्राम भी, अब मैंने जैसे डिले 3 घंटे कर दिया। अब इसमें क्या होगा, आपका ये जेंटल और टब है ना फंक्शन, ये नहीं चलेगा। ये देखिए अभी यहाँ पे नॉर्मल आ गया, एको रिजर्व आ गया। अभी मैंने आपको बुकलेट दिखाई दी ना, उसमें देखना आप ये जेंटल और टब क्लीन जो है वो नहीं चलेगा। तो ये देखिए मैं तीसरा दबा रहा हूँ, तीसरे पर आ नहीं रहा, खाली इस पर आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे से आप कोई भी फंक्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, अब मैं इसमें कर देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ मैं इसे, और यहाँ पे मैं थोड़ा वाइट कपड़े हैं तो मैं इसको ज़्यादा गंदे हैं तो मैं इसको हैवी कर देता हूँ। बाकी अब ये मैं अपने हिसाब से भी कर सकता हूँ, तो पानी मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, पानी अभी मेरे को लोड पता नहीं है अभी, क्योंकि पूरा लोड नहीं है ना इसमें, अभी इसमें जो है ये पूरा लोड नहीं है, तो मैं वैसे वाटर लेवल 10 सेलेक्ट करता हूँ, बट पानी का मैं नहीं कर रहा हूँ, वॉशिंग टाइम मैं कर देता हूँ इसमें।
तो वॉशिंग टाइम में कर देता हूँ 18 मिनट, रिंस में कर देता हूँ 2 बार, इसको मैंने कर दिया हाई पे। अगर आप इसे ऑटोमेटिक करोगे तो ये अपने आप लेगा, बट वो ये फिर ये अपने आप कम ज़्यादा लेगा, तो आप ये सेलेक्ट खुद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसे ऑन कर देता हूँ, पानी मेरा पीछे ऑन है, अभी ये सेंस कर रही है, अभी पानी लेगी नहीं, सेंस करके रुक जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब अब ये जो टाइम है वो चलना शुरू हो चुका है। अब ये जो टाइम आ रहा है ये देखिए 3:08 हो रहे हैं, तो अभी मैंने इसको ऑन करा है, और मैं आपको अभी 6:08 तक जो है ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे, अभी तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा ऑब्वियसली, बीच बीच में मैं आता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा किस तरीके से, अगर ये टाइम डिक्रीज हो रहा होगा तो दिखा दूंगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो दिखा दूंगा। इस तरीके से रहता है, तो इसका मेन फंक्शन यही है। अगर आपके यहाँ पानी की शॉर्टेज है, जैसे अगर आपका टैंक छोटा है या फिर आप ऑफिस जाने वाले हैं, तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि सस्ती मशीनों में ये वाला फंक्शन जो है वो नहीं आता है। तो अगर आप सोच रहे हैं मतलब इस तरीके से इसका यूसेज करने का, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं अब ये देखिए वॉशिंग जो है ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वरना ये ब्लिंक करती। तो यहाँ पे जो है ये तीनों साइकिल मेरे हो चुके हैं। अब मैं आपको 1 घंटे बाद दिखाऊंगा अगर इसका टाइम कम हो रहा होगा, या बीच बीच में मैं आके दिखाता रहूँगा किस तरीके से रहता है। और एक बार वॉश हो जाएंगे, अभी देखिए वॉशिंग मशीन जो है वो नहीं चल रही है, अभी रुकी हुई है, अभी कपड़े इसमें ऐसे ही रखे हुए हैं ये। तो अभी इसको अब हमने डिले कर दिया, ये फंक्शन इसमें चल रहा है। अगर आपके घर पे कोई बच्चा है तो आप इसमें चाइल्ड लॉक भी लगा सकते हैं, जैसे ये पीपर प्लस रिन दबा के। एक सेकंड, ये देखिए बीपर प्लस, यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी लग गया है। अब कोई भी बच्चा आएगा अगर छेड़ता भी है ना इसे, तो ये चलेगा नहीं, खाली पावर से ये ऑफ हो जाएगा, बाकी कोई भी फंक्शन जो है इसका काम नहीं करेगा। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है, अगर आपको लगता है कि चाइल्ड लॉक, और मतलब वो आके बटन दबा देगा, तो आप इसमें चाइल्ड लॉक लगा दीजिए। बस इसमें ये है कि पावर बटन अभी भी काम करेगा, अगर बच्चे ने ये दबा दिया तो ये भी किसी काम का नहीं है चाइल्ड लॉक भी। तो ये देखिए CL लिखा रहा है, चाइल्ड लॉक लगा हुआ है। अगर आपको हटाना है तो दोबारा इसको बीपर प्लस रेंज को आप 3 सेकेंड के लिए दबाओगे, ये देखिए चाइल्ड लॉक हट चुका है, मैंने थोड़ा बटन सही से नहीं दबा था, तो मैं इसको भी लगा के छोड़ देता हूँ, यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी लगा देता हूँ। ये देखिए टाइम भी कम होना शुरू हो गया है। तो मैंने ये देखिए आपके सामने में वीडियो बनाते बनाते इसका जो टाइम है वो देखिए कम हो रहा है। तो अब ये धीरे धीरे जो है टाइम कम होता जाएगा, और जो भी आपने साइकिल लगाया है इसमें तो वो लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वाटर लेवल 4 आया है, तो वाटर लेवल कम नहीं होना चाहिए कभी भी, कपड़ों का ज़्यादा भले ही हो जाए। तो अगर आपको यहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे मैं इसे पॉज कर दूंगा, तो ये देखिए ब्लिंक करना बंद करेगी। अब आपको अगर वाटर लेवल इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे 5 हो गया है, 6 हो गया, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ ये, फिर ये देखिए ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी ग्रीन लाइट, ये वॉच वाला जो साइन आ रहा है इसमें, ये देखिए। ठीक है गाइस, मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ किस तरीके से रहता है अभी इसका फंक्शन। तो ये है डिले फंक्शन, चाइल्ड लॉक भी मैंने लगा के दिखा दिया है आपको, तो ठीक है। तो भाई देखिए अभी 15 मिनट जो है इसका टाइम कम हो चुका है इसका, और धीरे धीरे टाइम जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये अराउंड मेरा जो साइकिल है ये वैसे 1 घंटे का है, तो ये अभी 3 घंटे, तो 2 घंटे बाद ये चलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 3 घंटे में इसको जो है वो कंप्लीट करना है। और अगर बाई चांस आपसे कभी भी अगर इसमें भी डोर खुल जाता ना ऐसे, जैसे आपसे चलते हुए डोर खुल गया, तो ये देखिए डोर बंद हो गया, तो आपको यहाँ पे पहले एक बार दबाना है, ये आ जाएगा। अभी ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, इसे दोबारा दबाओगे ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है अगर कभी गेट भी खुल जाता है तो। अभी मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो भाई देख सकते हैं आप 1 घंटा 50 मिनट बचा है, और अभी तक जो है वॉशिंग मशीन स्टार्ट नहीं हुई है।
तो अभी देखते हैं कितनी देर में स्टार्ट होगी, तो मैं वो दिखाता हूँ उस हिसाब से आपको, और कितने टाइम तक ख़त्म होगी। 6-8 तक ख़त्म हो जानी चाहिए एक हिसाब से, डिले फंक्शन के हिसाब से। तो दिखाते हैं ये पानी का टाइम भी लेती है या फिर पानी एक्यूरेट टाइम पे ख़त्म होती है, तो ये भी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, आगे बने रहिए इस वीडियो में। भाई देख सकते हैं आप, 1 घंटा 25 मिनट बचा है, और अभी भी जो है वॉशिंग मशीन जो है वो देखिए ऑन नहीं हुई है अभी भी, तो अभी भी जो है ये बंद है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में ये चलती है, आप बने रहिए इस वीडियो में। क्योंकि ये घट के 1 घंटा 12 मिनट बचा है, और अभी भी ये वॉशिंग मशीन जो स्टार्ट नहीं हुई है। अभी देख सकते हैं टाइम 5 बज रहे हैं, तो अभी मैं दिखाता हूँ जो भी ये स्टार्ट हो जाएगी, और फिर एंड में दिखाऊँगा एक बार। तो भाइयों देखिए, अभी मैंने आपको टाइम दिखाया था, अभी अचानक से जो है ये स्टार्ट हो चुकी है, और देखिए 5:02 हुए हैं। अभी मैंने आपको जो पहले टाइम दिखाया था, और अब देखिए तुरंत जो है इसमें टाइम ख़त्म करती ये जो है अपने वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी है। तो अभी देखिए पानी लेना जो है शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर गर्म पानी चल रहा है, तो थोड़ा धुंध जमी हुई है, अभी मैं क्लीन करके दिखा दूंगा। अभी देख सकते हैं आप, तो अभी देखते हैं ये 6:08 तक ख़त्म करती है या नहीं करती है। ये देखिए वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो गई है, मैं दिखाता हूँ आपको जब इसका साइकिल जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो देखते हैं टाइम पे कंप्लीट होती है या नहीं होती। तो भाई वो देखिए 21 मिनट बचे हैं, अभी इसमें जो है वो रिंस जो है वो होएगा अभी एक बारी और फिर स्पिन बचेगा। अभी टाइम बज रहे हैं 5:54, तो 6:08 तक ख़त्म करना था, तो अभी देखते हैं ये एग्जैक्ट टाइम पे चलता है या फिर 5-7 मिनट आगे पीछे होता है। तो भाई वो अभी भी जो है इसमें 12 मिनट बचे हैं, और टाइम हो गया है देखिए 6:10, जो हमारा जो टाइम था 6:08 का, वो 2 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है, और अभी इसमें लगभग 11 मिनट और रह रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ये जैसे हमारा जो पानी का प्रेशर स्लो है, तो मैंने गीज़र की लाइन में लगाया हुआ है, पहले भी दिखाया हुआ था मैंने, गीज़र वाली लाइन है ये हमारी टैंक की है, और ये वाली मोटर की है, तो मैंने गीज़र वाली लाइन में लगाया हुआ है, इस वजह से थोड़ा पानी का प्रेशर स्लो है, तो उसकी वजह से जो है ये 10 ये हो गया 13 मिनट के करीब डिले है। अभी ये पूरा फाइनल हो जाएगा जब मैं दिखाता हूँ आपको, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पूरा 2-3 घंटे लग गए इस वीडियो को बनाने में। तो भाई देख सकते हैं आप, 2 मिनट बचे हैं, और टाइम है 6:19, तो ये हमारी 12 या 13 मिनट जो है वो डिले चली है वॉशिंग मशीन जो चली है, देख सकते हैं। ये थोड़ा वाइब्रेट कर रही है क्योंकि इसमें कपड़े थोड़े कम हैं, देख सकते हैं।
बस खाली आपको कपड़े जो हैं वो सुखाने हैं।